आध्यात्म के रास्ते पर सबसे बड़ी बाधा क्या है? अध्यात्म के रास्ते पर जब इंसान चलता है तो ये रास्ता हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जाता है। हमारी मंजिल है अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना। तो जो सबसे बड़ा वादा रुकावट जो हमारे इस रास्ते पर चलने में आती है वो है हमारा मन। हमारा मन जो इस शरीर में हमारी आत्मा के साथ बस रहा है वो नहीं चाहता कि हम अपने आप को जाने। तो हमारा मन के पास बहुत ताकत है, बहुत से तरीके हैं जिसके ज़रिए वो हमारा ध्यान असलियत से हटा देता है। हमारा मन यही कोशिश में लगा रहता है कि हमारा ध्यान जो हमारी आत्मा का भारी रूप है वो माया की दुनिया में लगा रहे, इसके रंग, इसके तौर तरीके ऐसे हैं जिसमें कि इंसान बड़ी आसानी से फंस जाता है। तो मन के ज़रिए सबसे पहले विचार उठते हैं। जब इंसान के अंदर कोई विचार आता है तो फिर उस विचार को वो पूरा करने में लग जाता है। वो विचार हमें लगे अच्छा है या लगे बुरा है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अच्छा विचार होगा, अच्छे कार्य करेंगे तो उसके अच्छे फल मिलेंगे। फल लेने के लिए भी दोबारा से बार बार आना पड़ेगा। अगर बुरे विचार हैं, बुरे कार्य करेंगे तो उसका भुगतान करने के लिए भी आना पड़ेगा। तो चाहे विचार अच्छे हों चाहे बुरे हों, दोनों ही खराब हैं और ये सब मन के ज़रिए हमारी ओर आते हैं। मन को संत दर्शन सिंह जी महाराज 1000 हेडेड सर्पेंट बोलते थे। ये ऐसा नाग है जिसके 1000 मुंह हैं, किसी भी मुंह से ये आपको डर सकता है। कभी खुश करके, कभी दुखी करके, कभी इलेट करके, कभी डिप्रेस करके, कभी इस कार्य में लगा के, कभी उस कार्य में लगा के। और जब तक मन को हम काबू में नहीं करेंगे तब तक हम अपनी मंजिल पर जा नहीं सकते। तो मन को काबू में करने के लिए महापुरुष हमें सिमरन देते हैं, प्रभु के नाम का जाप। जब उसे मन ही मन करते हैं तो हमारा मन प्रभु की ओर लगना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे ध्यान प्रभु की ओर लगता है तो हमारा ध्यान इस बाहर की दुनिया, इस माया की दुनिया से हट जाता है। और जितना ज़्यादा ध्यान प्रभु की ओर लगेगा उतना ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं उन्होंने मन को शांत करने के तरीके सिखाए हैं। और मन जब शांत हो गया तो फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि शरीर को शांत करना बहुत आसान है, मन को शांत करना बहुत मुश्किल है। 5 इंद्रियों को अंदर की ओर करना आसान है लेकिन मन को शांत करना बहुत मुश्किल है। और मन को शांत करने के लिए हम जाप करते हैं, प्रभु के नाम का जाप जिसे सिमरन कहा गया। तो जब मन प्रभु की ओर लगता है तो फिर हम प्रभु को पाने में समर्थ हो जाते हैं। और मन ही है जो सबसे बड़ी दीवार है जो हमारे आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के बीच में है। तो अगर मन शांत हो गया तो फिर हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। और इसीलिए बार 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 हम सबको समझाया जाता है कि हम वो तरीके अपनाएं जिससे कि मन शांत हो। आध्यात्मिक रास्ते पर तरक्की करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब हम अभ्यास करते हैं तो कई भाई बहन होते हैं जिनके शरीर में कुछ हलचल होनी शुरू हो जाती है।
हमें बार बार यही सिखाया गया है कि हम एक सच्चे इंसान बने, हम एक ऐसा इंसान बने जिसके अंदर सद्गुण भरे हुए हों। हम अपने आप को पवित्र रास्ते पर बढ़ाते चले जाएं। तो जब इंसान पाक होता है, पवित्र होता है, तो जब वो अभ्यास में बैठता है तो उसके शरीर में कुछ हलचल होती नहीं, क्योंकि जो ध्यान अभ्यास करने का रास्ता है वो शांत होने का रास्ता है। लेकिन जब हमारे अंदर खामियां हों, कमियां हों, जबकि हम अपने आप को उस अवस्था में ना कर सकें जिसमें कि हमें होना चाहिए, जब हम अंदर से साफ ना हों, तो फिर जब वो प्रभु की शक्ति हमारे अंदर उमड़ती है तो हम उसे संभाल नहीं सकते। क्योंकि संभाल नहीं सकते, इस करके शरीर में हलचल हो जाती है। तो वो भाई बहन जिनके शरीर में हलचल हो जब वो भजन अभ्यास करें, उन्हें देखना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी कैसी है, क्या वो सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, क्या वो नम्रता से जीते हैं, क्या वो निष्काम सेवा भाव में कुछ समय व्यतीत करते हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में करुणा है, प्रेम है, वो नॉन वायलेंस की ज़िंदगी जीते हैं। तो अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए कि क्या हम अपने आप को उस अवस्था में रख रहे हैं जिसमें हम पात्र हों और फिर रिसेप्टिव हों, ताकि जो शक्ति हमें अनुभव करने को मिल रही है उसको हम ग्रहण कर पाए। तो जो इंसान पात्र होता है, रिसेप्टिव होता है, सद्गुणों से भरपूर होता है, वो सौर कदम बढ़ा रहा होता है, उसे जब वो भजन अभ्यास करता है उसको और शांति मिलती है, और शांति मिलती है। जब हमारे अंदर ताकत ज़्यादा आ रही हो और हम उसे सहन ना कर पाएँ, जब शब्द ज़्यादा स्ट्रांगली हमारे अंदर चल रहा हो और उसे हम संभाल ना पाएँ, तो फिर शरीर में हलचल होनी शुरू हो जाती है। तो इंसान को अपनी ओर देखना चाहिए और अपने आप को पात्र करना चाहिए, रिसेप्टिव बनाना चाहिए। सेवा करने का क्या फल है? सेवा किसी किस्म की भी हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, फाइनेंशियल हो, आध्यात्मिक हो। महापुरुषों ने समझाया कि जब हम सेवा करते हैं तो हमें उतना ही फल मिलता है जितना के जब हम अभ्यास करते हैं। तो सेवा के ऊपर बहुत जोर महापुरुषों ने दिया है। वो भाई बहन जिन पर प्रभु की देन है कि उनकी फिनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, तो जब वो मदद करते हैं किसी और की जिसकी फिनेंशियल सिचुएशन अच्छी ना हो, तो उसका फल उन्हें खुद ब खुद मिलता है। तो जब हम अपने इस्तेमाल के लिए जो कुछ भी कमाते हैं वो करने के बाद जो हमारे पास बचती हैं चीज़ें, उसका इस्तेमाल औरों की मदद के लिए करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसका फल हमें बहुत मीठा मिलता है। संत कृपाल सिंह जी महाराज अपनी ज़िंदगी में जो भी कमाते थे उसका हिस्सा जो उन्हें अपने लिए चाहिए होता था वो इस्तेमाल करते थे, और बाकी जो हिस्सा रहता था उसको औरों की मदद में लगा देते। ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए ही महापुरुष हमें समझा गए हैं। तो जब हम फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, जब फाइनेंशियल सेवा करते हैं, तो उसका फल हमें बहुत ही अच्छा मिलता है, और हम देखेंगे कि हमारा भजन अभ्यास बढ़ेगा, हमारी आध्यात्मिक तरक्की बढ़ेगी और हम अपनी मंजिल की ओर जल्दी से बढ़ेंगे। रूहानियत के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा क्या है?
रूहानियत का रास्ता प्रेम का रास्ता है, वो रास्ता जिसके ज़रिए हम अपने आप को सही रूप में जान सकते हैं और पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। तो रूहानियत का रास्ता सच्चाई को जानने का रास्ता है, और सबसे बड़ा बाधा हमें अपने आप को जानने में और पिता परमेश्वर को पाने में, सच्चाई का अनुभव करने में, हमारा मन है। मन नहीं चाहता कि हम असलियत को जानें, मन चाहता है कि हमारा असली रूप छुपा रहे। मन नहीं चाहता कि हम अपने आप को आत्मिक रूप में जानें, उसकी यही कोशिश होती है कि हम अपने आप को सिर्फ बाहरी रूप में ही जानते रहें। तो मन बहुत तरीक़ों से हमें अपनी मंजिल से परे करने की कोशिश करता है। तो हमने मन को काबू करना है। एक किसी महापुरुष ने कहा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हमने अपनी ज़िंदगी मन की खींच में ही गुजार दी, तो फिर कुछ भी पाए बगैर हम इस धरती से चल बसेंगे। तो हमें मन को शांत करना है, मन को काबू में करना है, और मन को काबू में करने के लिए हम सिमरन करते हैं। तो जो सबसे बड़ा बाधा है मन का, उसको शांत किया जा सकता है। उसका तरीका महापुरुषों ने यही बताया है कि हम मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करें, ताकि मन प्रभु की ओर लगा रहे। तो सबसे बड़ा बाधा मन है, और मन को काबू करना, मन को शांत करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हमारी तरक्की रूहानियत के रास्ते पर हो सकेगी। सेवा करते समय हम अहंकार से कैसे बच सकते हैं? जब हमें सेवा करने का मौका मिलता है, तो वो एक बहुत बड़ी बरकत है हमारे लिए। इंसान को सोचना चाहिए कि प्रभु ने हमें मौका दिया है किसी और की मदद करने का, तभी हम सेवा करते हैं। तो हम जब भी सेवा कर रहे हों, तो जब वहाँ जाए, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा काम है, ये मैं कर रहा हूँ, और वहाँ पर जो मैं है वो हटानी चाहिए। तो सच्चा सेवा भाव इंसान के अंदर वो होता है जब वो अपनी तरफ से मदद करता है। ये जानता है कि जो भी हम कर रहे हैं वो कोई भी कर सकता है। ये होता है कि कई बार कई सिचुएशन करके हम सेवा इधर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, लेकिन सेवा का मतलब किसी की मदद करना, और किसी की मदद कोई भी कर सकता है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है किसी में खास के वही कुछ कर सकता है। तो अपने आप को समझना चाहिए कि हमें एक मौका मिला है किसी की मदद करने का, और प्रभु ने हमें कुछ दिया है कि हम मदद करने के लायक हैं, और प्रभु की देन है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं। तो जब ऐसा भाव इंसान के अंदर आता है, तब फिर वो अहंकार से दूर होगा। इस भाव से इंसान जीता है, तो फिर अहंकार उसकी ज़िंदगी से हट जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठें आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं, आँखों के डेलें सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा, और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊँचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी,
सफ़ेद कोई भी रंग हो, जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे मेरी प्रभु के चरण कमलों में। जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सब के साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।